हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वरहिला मेरा नाम है मोहम्मद अजीम वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मतलब कफ़ील से अपनी सैलरी कैसे मांगें और अपनी सैलरी कैसे बढ़वाएँ चाहे वो कफ़ील से हो या कंपनी से हो किसी से भी हो किस तरह से बात करें कि मेरी सैलरी बढ़ाओ या मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए या मेरे मेरी इतनी सैलरी काफ़ी नहीं है ऐसे मतलब काफी जुमले हैं तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मतलब किस तरह से कि यहां सैलरी कब आएगी सबसे पहला सवाल जो है आदमी जब एक महीना काम करता है तो उसको इंतजार ही होता है कि सैलरी कब आएगी जब लेट हो जाता है तो मजबूरन मजबूरन मतलब पूछना पड़ता है कि मेरी सैलरी कब आएगी या सैलरी कब आएगी तो सैलरी कब आएगी राज़ को आरबी में इस तरह से बोलेंगे मित यी मित यिब ठीक है मितय रात मित, रातिप। मित मतलब कब यजी रातब सैलरी कब आएगी या फिर तनख्वाह कब आएगी तनख्वाह कब आएगी तनख्वाह जो उर्दू में सैलरी मतलब सैलरी वर्ड जो है वो तो इंग्लिश का है क्योंकि हिंदी में सैलरी को वेतन कहते हैं तो सैलरी कब आएगी मित यजी रातिब ठीक है मित यजी रातिब मतलब कब यजी आना और रातिब सैलरी ठीक है रात बोलते हैं सैलरी को और मुझे सैलरी चाहिए मुझे सैलरी चाहिए आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना प्लीज देखो अभी आगे, आगे आपके बहुत काम के जुमले हैं ठीक है वीडियो लाइक करो चैनल को भी सब्सक्राइब करो आइकन को भी ऑल करो तो मुझे सैलरी चाहिए मुझे सैलरी चाहिए इसको आरबी में बोलेंगे अनिबगा अना ग रातब अना इबगा रातब ठीक है अना मतलब मैं इबगा चाहिए रातब सैलरी मुझे सैलरी चाहिए या फिर मुझे तनख्वाह चाहिए अनाइबगा रातब ठीक है अनाइबगा रातब आसान जुमला है उसके बाद में सैलरी नहीं बढ़ी है सैलरी नहीं बढ़ी है अब इस तरह से भी बोल सकते हैं ना जिससे आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है तो आप क्या करेंगे उसको बोलेंगे ना कि हाँ मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है तो बोलेंगे सैलरी नहीं बढ़ी है अगर या फिर तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है सैलरी नहीं बढ़ी या तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे माफी रातब ज़्यादा माफी रातब ज़्यादा माफी मतलब नहीं रातब सैलरी ज़्यादा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ठीक है ज्यादा का मतलब होता है ज्यादा है या नहीं है ज्यादा का मतलब तो आपको पता ही है ठीक है ज्यादा जैसे हिंदी उर्दू में बोलते हैं वैसे अरबी में भी ज्यादा को ज्यादा बोलते हैं ज्यादा जायेद कई तरीके से बोलते हैं ठीक है ज़ायद, जवुद ज्यादा ऐसे बोलते हैं मतलब दो तो सबका एक ही है ठीक है और दो साल से ज्यादा हो गया है मेन अब शुरू हुआ है क्योंकि जब आदमी आता है यहाँ पर दो साल कम से कम मैक्सिमम दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है हर किसी का ठीक है तो दो साल के बाद में जब सैलरी बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं तो वो आनाकानी करते रहते हैं चलो देखेंगे अ खल नशो फनाशो फनाश ऐसे करके बढ़ाते रहते हैं तो आप अगर बोलना चाहते हैं मतलब ये मैंने जुमला बनाया कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि दो साल से ज़्यादा हो गया है या फिर दो साल गुजर गए हैं दो साल से ज़्यादा हो गया या फिर दो साल गुजर गए हैं तो इसको अरबी में बोलेंगे सनतन ख़लस सनत सनतैन मतलब दो साल या फिर दो साल से ज्यादा ठीक है सनतैन खलस खलस का मतलब हो गया गुजर गया ख़त्म हो गया इस तरह से ठीक है तो दो साल से ज्यादा हो गया या फिर दो साल गुजर गए सनतैन खलस दो साल से ज्यादा हो गया है सनतैन खलस एक हजार रियाल काफी नहीं है अब ये मेन पॉइंट है ठीक है एक हजार रियाल काफी नहीं है अगर आप बोलना चाहते हैं कि मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी एक हजार है आठ सौ है नौ सौ है बारह सौ है पंद्रह सौ जो भी है आप का दो साल तीन साल चार साल हो गया अगर आप बढ़ाना चाहते हैं सैलरी के यहाँ मेरी सैलरी बढ़ाओ उसके बोलना चाहते हैं तो आप इस तरह से बोलेंगे कि एक हजार रियाल काफी नहीं है अब एक हजार की जगह में आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी लगा सकते हैं ठीक है एक हजार की जगह पे मैंने बस समझाने के लिए एक हजार डाला है तो आप, आपकी सैलरी अगर एक हज़ार है तो आप यही जुमला यूज कर सकते हैं अगर आपकी कम ज्यादा है तो उस हिसाब से आप नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपको नंबर नहीं मालूम है तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में आप जाइए पांच वीडियो नंबर के हवाले से है एक से लेकर पाँच तक है ठीक है तो आप लोग उसको जाके सीख सकते हैं तो एक रियाल काफी नहीं है इसको अरबी में बोलेंगे अल्फ रियाल मुँह काफी अल्फ रियाल मुँह काफी या फिर मुश दोनों तरीके से बोल सकते हैं मुंह माफी ये सब का मतलब एक ही होता है ठीक है अल्फ रियाल मुँह काफी यानी एक हजार रियाल काफी नहीं है मतलब मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए ठीक है तो अल्फ रियाल मुँह काफी एक हजार रियाल काफी नहीं है और मेरी सैलरी बढ़ाओ मेरी सैलरी बढ़ाओ तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे ज्यादा रा तिबी रा तिबी ये जो लास्ट में बी आएगा ना ये अपने लिए हो जाएगा ठीक है राति सैलरी को बोलेंगे लेकिन जब लास्ट में ये लगा देंगे तो अपने लिए हो जाएगा अब इसमें अगर आप चाहें तो आना लगा सकते हैं नहीं चाहें तो कोई बात नहीं इतना बोल देंगे अगर ज्यादा राति भी या फिर आना ज्यादा रात भी इस तरह से बोल सकते हैं ज्यादा आना रात भी ज्यादा आना राति भी तो आना लगाएंगे तो डबल मीनिंग हो जाएगा तो इससे बेहतर ये है कि ज़्यादा राति भी ठीक है ज़्यादा और रात भी ये लगा ये लग, लगाए लास्ट में यह अपने लिए हो जाएगा उसके बाद में मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए दोनों तरीके से बोल सकते हैं यानी मेरी सैलरी बढ़ाओ या फिर मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए होता है ना कि हाँ मान लो आपकी सैलरी बारह सौ पंद्रह सौ तो आप बोल रहे हैं कि कहीं और दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो वहाँ के बारे में आप बोलेंगे ना कि हाँ मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए जो अभी यहाँ फ़िलहाल है इससे ज़्यादा चाहिए तो मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए इसको अरबी में किस तरह से बोलेंगे मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए मैं तनख्वाह में इजाफ़ा चाहता हूँ उर्दू मैंने लिखा है लेकिन हर उर्दू का जुमला जम, जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ठीक है तो इसीलिए मैं कम टाइम में ज्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी बढ़ाओ ज्यादा रात भी मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए तो इसको में बोलेंगे ए बगा रातब ज्यादा मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए ए बगा रातब ज्यादा ठीक है ए बगा रातब ज्यादा मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए और मेरी सैलरी बढ़ गई है मेरी सैलरी बढ़ गई है अब इसको आप किस मतलब किसी से बताना चाहते हैं कि ठीक है मेरी सैलरी बढ़ गई है तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे राति भी ज़्यादा वहाँ पर मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए ज़्यादा राति भी यानी ज़्यादा रात भी और यहाँ पर मेरी सैलरी बढ़ गई है राति भी ज़्यादा यानी मेरी सैलरी ज़्यादा हो गई है बढ़ गई है ज़्यादा जो है जैसे उर्दू हिंदी में वैसे ही अरबी में भी ज़्यादा को ज़्यादा ही बोलते हैं ठीक है तो राति भी ज़्यादा मेरी सैलरी बढ़ गई है और मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई है आप ये भी तो है ना कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ी है या फिर मेरी सैलरी इतना बढ़ाओ अगर बोलना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं मेरी सैलरी 200 बढ़ा है। तो मेरी सैलरी 200 बढ़ी है मेरी सैलरी 200 बढ़ी है इसको आरबी में जो है आप इस तरह से बोल सकते हैं रात भी ज्यादा मितिन रातिबी ज्यादा मितिन यानी 200 मेरी सैलरी जो है 200 बढ़ी है ठीक है या फिर सब भी रात भी सबिरत मितिन ज्यादा इस तरह से बोलेंगे तो अपने लिए हो जाएगा क्योंकि मेरी सैलरी दो बढ़ाओ ठीक है तो मेरी सैलरी दो बढ़ा है या फिर बढ़ गई है तो इसको अरबी में बोलेंगे राति भी ज्यादा मितिन राति भी ज्यादा मितिन मुझे मेरी सैलरी चाहिए मुझे मेरी सैलरी चाहिए यह कब होता है जब आदमी मतलब काम कर रहा है और सैलरी नहीं मिल रही है एक महीना दो महीना तीन महीना बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बेचारे काम करते रहते हैं उनको बस खाने पीने का पैसा मिलता है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती है तो अगर वो इस जुमले को इस्तेमाल करना चाहें अभी आप समझ लें कि हाँ मेरी सैलरी चाहिए ए बघा रात भी ए बघा रात भी मुझे मेरी सैलरी चाहिए ए बगा रात भी इतना काफ़ी है ठीक है मुझे मेरी सैलरी चाहिए ए बघा रात भी ए बगा राति भी तो ये कुछ जुमले थे जो मैंने समझाने की कोशिश की फिर भी अगर कोई जुमला छूटा हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं मिलता हूं इन किसी नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम असल व बरकातहू